without a head! Welcome, sir. Good morning, sir. Thank you. Open the gate. Very good. Gentlemen, sorry, mai thoda late ho gaya. Friends, aaj pura world ek hi problem face kar raha hai. Dekhiye. Duniya bhar mein nadi, talabon, jharnon mein pani khatm ho raha hai. देखते ही देखते पानी आधा हो रहा है। जबकि जहाँ जहाँ पानी खत्म हुआ है वहाँ बहुत सारे बादल घिरे हुए हैं। बिजली कड़की है और लोगों ने पानी बरसते हुए भी देखा है, लेकिन वास्तविकता में तालाब या नदी जो भी वहाँ है उसका पानी आधे से ज्यादा गायब हो जाता है। कैसे? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जितनी त्याग इस धरती का पानी खत्म हो रहा है, अगर उस रोका में गया तो एक हफ्ते में पूरी दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा और फिर हम में से कोई नहीं बचेगा। बरसात होती है फिर भी पानी खत्म हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसे कौन सुलझाएगा? इस समस्या को सिर्फ दो ही आदमी सुलझा सकते हैं। उनका नाम है मोटू पतलू। मोटू पतलू? मैंने उनको इस मिशन पर लगा दिया है। यस बॉस डियाबोलोस, लेक का लगभग आधा पानी कलेक्ट हो चुका है। कुछ ही देर में इस लेक का बचा हुआ सारा पानी लेकर मैं आता हूँ। अरे बचा हुआ पानी तो क्या? पानी की एक बूंद भी लेके जाने नहीं देंगे। कौन है? सामने आओ। मैं कहता हूँ सामने आओ। बरसते हैं, बरसते नहीं। हम वो बादल हैं
जो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। अरे कौन हो तुम और बादलों के बीच में क्या कर रहे हो? मैं हूँ क्लाउड मैन, अब छीनूंगा तुम्हारा सुख चैन। अरे ये क्या? ये भाई सब कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहे हैं, चलो इनका गुस्सा ठंडा करके आते हैं। ओके बुड्ढू। अरे बटू, इसका गुस्सा ठंडा होने के बजाय ये गुस्से से और भी गर्म हो चुका है और ये है कि रुक ही नहीं रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि इससे कुछ शांति वार्ता करनी पड़ेगी। अरे भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो? हम जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन। आओ टेबल पे बैठ के आराम से बातें करते हैं। Hey, वो देखो पीछे क्या है? क्या है पीछे? मुझे बुद्धू बनाया, नहीं छोड़ूंगा। क्या करे? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। वो तो जल्दी से स्लाइड हेलमेट लगा के पोजीशन ले। ओके बुद्धू। आओ क्लाउड मैन, हिम्मत है तो मुझसे टकरा के दिखाओ। अच्छा लगा, तुम्हें पहले खत्म होने का शौक है तो तुम्हारी इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। अरे बड़े भैया, पहले पकड़ के तो दिखाओ, मेरी गाड़ी तो तुमसे भी तेज है। बड़े भैया रास्ता भटक मत जाना, यहाँ बहुत यूटर है। चला गया वो। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। अरे नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। हेलो, मटू जल्दी से पोजीशन ले लो। ओके पतलू, चलो क्लाउड मैन पकड़ो मुझे। यस क्लाउड मैन, यू कैन डू इट। पकड़ो 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 पकड़ो। पतलू, वी आर इन पोजीशन। ओके मटू, अभी तुम्हारा खेल खत्म। ये सब क्या हो रहा है? हम अपना बिछल के तजुर्बा में ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। हो गया हो।
पर यार, ये तो क्लाउड्स का बना हुआ आदमी दिख रहा है। ओ यार, लगता है जैसे कोई रोबोट हो। Yes, Hurricane Man, क्या खबर लाए? Mr. Diabolus, हमारे Cloud Man को उन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने? ऐसे कौन शक्तिशाली सुपरहीरोज आ गए? I am the creator. I create and I destroy. मेरे creation को किसने destroy किया? पतलो, वो क्लाउड मैन यहाँ बादलों के बीच में क्या कर रहा था? अरे मतलब इसके लिए हमें उन क्लाउड्स में जाना होगा। चलो बाबा। चलो चलो। अब चलो भी। मेरे यारो, चलो बहुत दिनों के बाद बारिश में भीगेंगे यारो। अरे ये क्या? पानी बादलों से नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि लेक से बूंद बूंद बन के ऊपर बादलों में जा रहा है। ये बादल पानी बरसाते नहीं है, उल्टा पानी चोरी करते हैं। ओहो, तो अब समझ में आया वो क्लाउड मैन बादलों में क्या कर रहा था। वो पानी चोरी करने के लिए आया था। ओए मेरे भाई, मेरे यारो, इसी वजह से पूरी दुनिया का पानी कम हो रहा है। ये जो भी कर रहा है, हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा यार। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा। ओए बच्चों, तुम गाड़ी चलाओ। चलो मैं इस पर रिसर्च करता हूँ यार। वो क्लाउड मैन के पास गए क्यों? उन्हें पता कैसे चला कि बादलों में कोई छुपा हुआ है? आओ, हमारा सीक्रेट आउट कैसे हुआ? मिस्टर डायबोलस, ये लास्ट इमेज क्लाउड मैन ने रिले की थी। क्लाउड मैन को खत्म कर दिया, उसकी कोई परवाह नहीं। वो क्लाउड्स अभी भी वही हैं। अपना एक और क्लाउड मैन भेजो जो उन क्लाउड्स को यहाँ लेकर आएगा जिसमें पानी भर रहा है। लेकिन धरतीवासियों को पता ना हो कि हमारा प्लान क्या है। अगर ऐसा हुआ तो वो हमारे क्लाउड्स को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वो एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, जिससे धरती का सारा पानी एक साथ यहाँ ला सकते हैं। उसके कंप्लीट होते ही सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी वो एक्सपेरिमेंट पूरा करो, बस फिर उसके बाद मैं इस नए वर्ल्ड का इनॉग्रेशन करूंगा, जो होगी डायबोलस की दुनिया, जिसका नाम होगा प्लैनेट ऑफ नो रिटर्न। देखो, यहाँ इन बादलों में जरूर कोई क्लाउड मैन छुपा होगा। पतलू रे, यहाँ एक नहीं, चार चार क्लाउड मैन है। यार, उसे ना ठीक से देखो मेरे यार।
पतलू वो देखो, एक और क्लाउड मैन तेजी से उड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। पतलू जल्दी करो, कहीं छुपते हैं। इतना सारा पानी, इस पानी को जल्द से जल्द क्लाउड में भर के यहाँ से ले जाना होगा। डॉक्टर छटका, क्या हम इस क्लाउड में छुपे किसी तरह से इनकी टीम तक जा सकते हैं? बूढ़ी बाबा, एक बार फिर से सोच लो, वहाँ जरूर कोई बड़ा खतरा हो सकता है। अरे हमें अगर धरती का पानी बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही होगा। चलो। की कसम, अगर हम सब साथ हो तो किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। चलो ओए मेरी भाई, मेरी हेरो, ये स्प्रे लगा लो। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ यारी। मेरे मिस्टर का तजुर्बा में पानी के एक बूंद के अंदर मैं पहली बार स्विम किया है। आगे नेगेटिव ग्रेविटी स्पॉट आ रहा है, बी प्रिपेयर्ड। साथियों जल्दी चलो। अरे ये क्या, वॉरियर्स अपने दो और क्लाउड मैन भेजो उस क्लाउड की हेल्प करने के लिए। ए, तुम दोनों जाओ और उस क्लाउड मैन को बचाओ। मेरे सक्शन गैजेट से कैसे बचोगे क्लाउड मैन? सारा पानी हम लेके जाएंगे। बुरा क्लाउड मैन, चलो उसकी मदद करते हैं। आए तो थे उसे बचाने, लेकिन खुद भी फंसेंगे उस सक्शन गैजेट में। हम भी फंस रहे हैं इस सक्शन गैजेट में। ये चलो लैब में चलते हैं। नए क्लाउड स्लैब में पहुंच चुके हैं। रेडी फॉर द वैक्यूम। बात कुछ थोड़े समझ लेते हैं यारो, पहले
तो कोई क्लाउडमैन पृथ्वी का पानी चुराता है और ये जो भी कोई लोग है वो क्लाउडमैन से पानी चुराते हैं। अरे माँ मुझे कानून की कसम, बर्द मौत की कसम, मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा वाटर स्लाइड कभी नहीं देखा। बचाओ रे मामूनी, वो तो मेरा सिर तो चकरा रहा है। मेरा भी पकड़ो। अरे माँ ये तो हमें कैप्सूल बना के बोतल में बंद कर देंगे। कुछ करो जल्दी। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया, सब लोग अपने अपने बबल्स में घूमना शुरू करो और बेल्ट से नीचे जंप करो जल्दी। अरे माँ इतनी जोर से तो मैं कभी चोर के पीछे भी नहीं था। चलो ये फॉर्मूला बेरुसा को दिखाते हैं। अरे ये सब कौन है और यहाँ कर क्या रहे हैं? उड़ी पापा, ये सब मिलके कहाँ चल दिए? बड़े भैया लगता है इनका टीम ब्रेक हो गया है। और ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं पता लगाना पड़ेगा यार। हमें नॉर्मल करो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए? गार्ड्स को बुलाओ, सायरन बजाओ। हेलो, आई एम बेरुसा। तुम लोग कौन हो? मैं मोटू और ये पतलू। बाकी हमारे दोस्त डॉक्टर झटका, कसीजा राम और चिंगम सर है। लेकिन ये जगह कौन सी है? इसे प्लैनेट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यहाँ जो आ जाए वो वापस नहीं लौटता। तुम लोग जरूर डायबोलस के जासूस होगे, जो डायबोलस को अर्थ से पानी चुराने में उसकी मदद करते होगे। सुनो, हम जासूस नहीं हैं, हम तो उसे लड़ने अर्थ से आए हैं। अर्थ से आए हो? अर्थ का पानी कोई चुरा रहा है और उसका पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अर्थ का पानी डायबोलस चुराता है और वो एक नई दुनिया बसाना चाहता है। चलिए मैं आपको हमारे बॉस हेरुशियस के पास ले चलता हूँ, वही आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, तुम लोग डायबोलस से लड़ने आए हो, ये सुनकर अच्छा लगा। ये प्लैनेट हमारा था, हम बरीन तो लोग यहाँ सदियों से रहते आए हैं। डायबोलस ने आके इस पे कब्जा कर लिया है, वो यहाँ नई दुनिया बनाना चाहता है। लेकिन जब भी उसके बादल हमारे एरिया से गुजरते हैं तो उसका पानी चोरी करके उससे बदला जरूर लेते हैं। जब यहाँ पानी था ही नहीं तो आप लोग कैसे रहते हो? हमें पानी की जरूरत नहीं, यहाँ के सूखे हरे जो भी पेड़ दिख रहे हैं उन सब में पानी होता है। आप ट्राई करना चाहेंगे? इसका टेस्ट धरती वासियों के लिए नहीं, इसीलिए मिस्टर डायबोलस धरती से पानी ला रहा है। हमारे लिए इन ट्रीज का पानी बहुत है। अब तुम लोग आराम करो, हम रात को वहाँ चलेंगे।
ये बोल्डर्स हवा में उड़ कैसे रहे हैं? क्या उस स्पॉट पे ग्रेविटी नहीं है? सही पहचाना, जहाँ जहाँ बोल्डर्स उड़ रहे हैं वो सब नेगेटिव ग्रेविटी स्पॉट्स हैं। बोल्डर्स एक ही जगह पर फ्लोट हो गए और हवा की रगड़ से ये काट काट के राउंड हो गए हैं। इतने भारी पत्थर फ्लोट हो रहे हैं, क्या आप कभी इसमें फंसे हो? हमें आदत है, इनके ऊपर से स्पीड से निकालो तो निकल सकते हैं। नॉर्मल स्पीड वाला आदमी इनमें ही अटक के फ्लोट हो जाएगा, और जब तक खींचो नहीं वो खुद निकल नहीं सकता। डायबोलस ने ऐसे सारे स्पॉट्स सिटी के अंदर ब्लॉक कर दिए हैं। सिटी में कोई नेगेटिव ग्रेविटी स्पॉट नहीं है। अरे वाह, यहाँ तो कोई गार्ड नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ गार्ड की जरूरत नहीं, पूरी सिटी इस ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिफाइड कवच से प्रोटेक्टेड है। कोई उड़ के भी अंदर नहीं जा सकता। मैं उन्हें अट्रैक्ट करके अंदर जाने का पोर्टल खुलवाता हूँ। तुम्हारे पास कुछ सेकंड्स का टाइम होगा। बिना सोचे उस नेगेटिव ग्रेविटी स्पॉट से बच के अंदर चले जाना। ऑल द बेस्ट। दोस्तों रुको, मैं भी आया। यार, पोर्टल बंद होने से पहले नेगेटिव ग्रेविटी स्पॉट से बच के अंदर जाना है यार। शहर बनाया है। यकीन नहीं हो रहा। अरे उस बिल्डिंग में कोई शैडो सा मूव करता हो दिखा मुझे। वहाँ कोई है, चलो देखते हैं। चलो। मैंने इसी जगह की विंडो में शैडो देखा था। देखो, हम लोग वहाँ खड़े थे और वहीं से हमें लाइट दिखी। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। ये क्या है? यस, क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लोग भी भूत हो? बिना सपोर्ट हवा में उड़ रहे हो? हम भूत नहीं हैं। तो यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोलो बोलो, मिस्टर डायबोलस के जासूस हो ना? अरे नहीं, हम तो मिस्टर डायबोलस को रोकने आए हैं। ये पूछने आए हैं कि वो धरती से पानी क्यों चुरा रहा है। हम उसे पकड़ के धरती पे ले जाने आए हैं। ये मोटू है, मैं पतलू, और ये हमारी दोस्त है जिसका नाम चिंगम सर, और डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका? साइंटिस्ट डॉक्टर झटका? आप तो मेरी बिरादरी के हो। मैं कोई भूत नहीं हूँ यार। सॉरी, आप लोगों को डराने के लिए। मैं साइंटिस्ट सहाय हूँ, लेकिन बहुत असहाय हूँ, क्योंकि मिस्टर डायबोलस की चाल में फंस के मैं यहाँ अटक गया हूँ। चाल? कैसी चाल? वो कर क्या रहा है? मिस्टर डायबोलस बहुत ही अमीर अरबपति आदमी है। वो वाटर पे रिसर्च कर रहा था। उसने मुझसे कहा
कि धरती में कितनी जगह सूखा पड़ा है। अगर हम एक जगह से बदलाव के थ्रू पानी दूसरी जगह पर भेज सकते हैं तो सूखा खत्म हो जाएगा, किसी किसान की फसल खराब नहीं होगी। और मैं उसका साथ देता गया। एक दिन हम इस काम में सफल हो गए तो वो मुझे एक स्पेसशिप में बैठा के इस प्लैनेट में ले आया। काम कैसा चल रहा है? अब बस 10% काम बचा है, कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टर डायबोलस, ये सब क्या है? ये देखो, इस डैम में जो पानी भरा है वो सब मैं धरती से लाया हूँ, और ये काम मैंने तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया है। ये मेरा अपना प्लैनेट है, मैं यहाँ नई दुनिया बसा रहा हूँ। इसीलिए तुमसे क्लाउड्स के सहारे पानी शिफ्ट करने का एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। तुम क्लाउड्स के जरिए पानी यहाँ लाना चाहते थे और मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि धरती पे एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाके बरसाना है। सही समझे सहाय, लेकिन पहले तुम्हें ये बता देता तो तुम मेरी हेल्प नहीं करते। अभी तो मैं क्लाउड से ही धरती का पानी यहाँ ला रहा हूँ, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे एक बार में ही अर्थ का सारा पानी यहाँ लाया जाए, और तुम उसमें मेरी मदद करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, इससे तो धरतीवासी खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। पकड़ो उसे, वापस अर्थ पे ना जा पाए। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे सहाय। मैं उससे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के यहाँ छुप गया, क्योंकि अर्थ पर मैं वापस नहीं जा पाया। यहाँ से मैं बरिंटो ट्राइब के लीडर हिरुशियस की मदद करता हूँ। क्लाउड्स को चुराना, कैप्सूल बना के पानी कलेक्ट करना मैंने ही उनको सिखाया है। यहाँ से बरिंटो ट्राइब के कुछ लोग हैं जो चुपचाप मेरी मदद करते हैं। हमें डायबोलस का सामना करने से पहले उसे जानना होगा कि वो कैसा है, उसके पावर्स कैसे हैं, और वो हमें कहां मिल सकता है, ताकि हम चुपके से उसकी और उसकी पावर्स का अंदाजा लगा सके। कल वो अपनी स्टैचू लगवा रहा है, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। साथियों, बहुत जल्द मैं यहाँ अपने पसंद के ह्यूमंस लाके नई दुनिया बसाऊंगा। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है। समोसे खुशबू।
मोटे जी रोबोट का कवर हटा लो और आराम से खा लो। ओके बढ़िया। डायबुलस भैया, समोसे कहा है। ये सिर्फ समोसों की इमेजेस हैं, सिर्फ तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। मुझे पता चल गया था कि तुम लोग शहर में घुस गए हो और मुझसे मिलने की कोशिश में यहाँ जरूर आओगे। मोटू के साथ ही सामने आ जाए, अब छुप के फायदा नहीं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायबुलस। डायबुलस की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ तुम लोग मुझे खत्म करने आए हो, लेकिन मैं दोस्ती का ऑफर देता हूँ। मेरे साथ काम करो, तुम लोग काम के आदमी हो। तुमने समोसों के नाम पर मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। अरे माँ, इससे अभी भी समोसों की ही पड़ी है। You are under arrest. The name is Chingama. Inspector Chingama. और चिंगम के चक्कर से बचना impossible. बोले तो ये impossible. अम्मा, दादी के दिया. अरे मारे। अम्मा। वरना लॉरिटा ये मुझे अरेस्ट करना चाहता था और खुद ही रेस्ट करने लगा। तुम लोग नहीं जानते मैं कितना महान काम कर रहा हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। मैं अर्थ के सब अमीर से अमीर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों को यहाँ लाकर एक नई दुनिया बसाऊंगा। यहाँ का हर सिस्टम मेरे हिसाब से होगा और इसके लिए मुझे पानी की जरूरत है जो मैं धरती से ला रहा हूँ। अरे अगर तुम धरती से पानी लेके आ जाओगे यहाँ तो धरती के लोगों का क्या होगा? बिना पानी के वो सब खत्म हो जाएंगे। आई एम द क्रिएटर, आई क्रिएट एंड आई डिस्ट्रॉय। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वैसे भी जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। वो लोग बिना पानी के खत्म भी हो जाएंगे, I don't care। अरे तुम एक परफेक्ट इंसानों की दुनिया नहीं बना रहे हो, यहाँ इंसानों को रोबोट की तरह रहना होगा। जैसा तुम कहोगे उन्हें वैसा ही करना होगा। कोई अपनी मर्जी का मालिक नहीं होगा। तुम धरती की हस्ती खेलती दुनिया खत्म करके एक ऐसी दुनिया बना रहे हो जहाँ कोई अपनी मर्जी से हंस खेल भी नहीं सकेगा। तो क्या हुआ, अर्थ पर भी तो ह्यूमन काम करते हैं। मैं उन्हें परफेक्ट वर्ल्ड में लाऊंगा और परफेक्ट लाइफ दिलाऊंगा। सोचो क्या तुम इस महान काम में मेरा साथ दोगे? ये ऑफर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हो। हरगिज नहीं, हमें तुम्हारा गुलाम बनने का कोई शौक नहीं है। गुलाम तो तुम बन चुके हो। तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से हो, पर अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते। इनको खाना खिलाओ पिलाओ, अभी खाली पेट है, ठीक से सोच नहीं पा रहे। मोटू मुझे पता है खाली पेट तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जाओ पेट भर के खाओ फिर सोच के बताओ। मिलते हैं, बाय बाय। खाना खिलाने वाले हैं, ये बंदूक की गोली। हेलो, मैं रिबेलियस। Come, join us for lunch. आज से तुम लोगों को जिंदगी भर यहीं रहना है। खाना लाओ। Oh,
तजुर्बे में ऐसा कभी नहीं देखा। खाओ ना प्लीज, हम एक ही थाली में खाते हैं, इससे प्यार और यूनिटी बढ़ती है। बात तो सही है, लेकिन हम ऐसे नहीं खा सकते। सॉरी, मोटू ये खाओ, टेक दिस, ये बहुत टेस्टी है। ये हमारा मजाक बना रहा है, कुछ करो मोटू। अरे पपलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। कहीं से समोसे मिल जाते तो सब ठीक हो जाता। पकड़ो उसे, समोसे मत खाने देना। Now you are too late। उसने समोसे खा लिए। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। वो अंदर कैसे आ गए? उनको रोबोट कवच कैसे मिला? उन्हें समोसे किसने खिलाए? कोई तो यहाँ उनकी मदद कर रहा है, कोई साइंटिस्ट सहाय तो नहीं? हाँ वही होगा, वही होगा, वो इसी शहर में है, ढूंढो उसे। हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बरेंटो शहर के पास भाग गया था, लेकिन अब लगता है वो इसी शहर में है। मैं खुद जाके उन्हें ढूंढती हूँ। हर तरफ पहरा बढ़ा दो, मजा आएगा। I am the creator, I create and I destroy. Let them come, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। वहाँ जाने का एक ही रास्ता दिख रहा है, फ्लाइंग हेलमेट लगा के उड़ जाएंगे। चलो, उड़ के वहाँ कोई नहीं जा सकता, रडार कैच कर लेगा और एंटी एयरक्राफ्ट लेजर गन्स तुमको खत्म कर देंगे। मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मिस्टर डायबोलस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहीं कहीं एक ब्रिज है जो दिखता नहीं है, तुम लोग जाके ब्रिज को ढूंढो, वही एक रास्ता है अंदर जाने का। थैंक यू सहाय जी, हम उस ब्रिज को ढूंढ के ही रहेंगे। दोस्तों संभल कर, पता नहीं इस डायब्लूस ने क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ कहाँ लगा रखा है यार। डायब्लूस के घर तक तो हम पहुँच गए, लेकिन वो अंदर जाने का ब्रिज कहाँ है? अयो माँ, चलो सब लोग जल्दी से ब्रिज ढूंढते हैं। मैं इतने दिन दहाड़े उजाड़े में पैरों तले पत्थर में देखो यार। यहाँ देखिए, सूरज की रोशनी में कुछ चमक रहा है। अरे बड़े भैया,
लगता है ब्रिज मिल गया। अरे मोटू रुक जाओ, मोटू सुना दो। तो क्या बड़े भैया, हम सब हवा में हैं। ये लोग यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन उनको ये सब आइडिया देने वाला सहाय यहीं कहीं छुपा होगा। फ्लोरिडा जाओ और ढूंढ के उस सहाय के बच्चे को यहाँ लेकर आओ। गॉट इट बॉस। अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, चलो देखते हैं ये लोग नाचते कैसे हैं। क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? नहीं, इतने अमीर आदमी ने इतना कमजोर ब्रिज बनाया, हमारी वजह से ही क्रैक हो रहा है। मोटू पतलू संभल कर। अम्मा रे चलो रे अम्मा। अरे ब्रिज टूट रहा है। दोस्तों लगता है हमारा सफर यही तक था। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। मुझे नहीं। जो इंसान धरती से पानी चुरा सकता है, वो इतना कमजोर ब्रिज कभी नहीं बना सकता। कुछ तो गड़बड़ है, देखने दो। ये सिर्फ धोखा देने के लिए 3D इमेजेस का चक्कर है, ब्रिज टूटा नहीं है। मोटू तुम बिल्कुल ठीक हो। बच गए। फ्लोरिडा। हेलो मिस्टर सहाय, नाइस मीटिंग यू अगेन, लॉन्ग टाइम। हमने साथ बैठ के चाय कॉफी नहीं पी है। मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैंने इतना चित्र विचित्र पहले कभी नहीं देखा। बड़े भैया, ये फ्लोर बड़ा ही अजीब सा है। देखो तो ये गैप क्यों बने हैं? देखो ना। तुम पहले ऐसे लोग हो जिन्होंने वो ब्रिज ढूंढ लिया और उसे पार भी कर लिया। और वो ब्रिज क्रॉस करने का नजारा एकदम ही एंटरटेनिंग था। मानना पड़ेगा, तुम लोग कभी हार नहीं मानते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम्हें ये बताना जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम नई दुनिया बसाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धरती का पानी लेकर आ रहे हो, इससे हमें फर्क पड़ता है। उन्हें पानी की कद्र नहीं है। अपने आसपास देखो, वहाँ कितना पानी लोग बर्बाद कर रहे हैं। वो जिए या खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
ये क्या हो रहा है? अरे माँ, ये क्या हुआ? अरे ये तो चमत्कार है। कहाँ गया? अरे वो डायब्लोस कहाँ गया? वो पानी में कैसे बदल गया? जवाब मिल गया। फ्लोर इतना अजीब सा क्यों है? ये तो चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। बॉस, ये रहा सहाय। वेलकम मिस्टर सहाय। वेलकम। तुम्हें सचमुच लगा कि मुझसे बच के ज्यादा दिन रह सकते हो? आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस प्लेस। आई क्रिएट एंड आई डिस्ट्रॉय। मुझसे बच के कहाँ जाओगे सहाय? वो जो तुमने किया, वो कैसे किया? पानी में कैसे कन्वर्ट हुए तुम? आई एम द क्रिएटर। आई कैन डू एनीथिंग। सहाय, तुम्हारे लिए भी ये एक सरप्राइज था ना? तुम तो मुझे लेक के पास छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस पानी पर बहुत रिसर्च किया और एक दिन मुझे लगा कि मैं अगर इस पानी में कोई केमिकल मिला दूं तो ये अनोखी शक्ति दे सकता है। मैंने वैसे केमिकल्स मिला के पानी तैयार किया और एक दिन मेरे साथियों देखना। आज तुम्हारे बॉस के पास इतनी शक्ति आएगी कि उसे कभी कोई नहीं हरा पाएगा। अब देखो मेरा कमाल। बॉस, अब ठीक तो हो? इसे डायबोलस संभाल कर। बॉस, मिस्टर डायबोलस। नहीं, कहाँ चले गए? मैंने बोला था कुछ गड़बड़ हुई है, बट बॉस कभी सुनते ही नहीं है। आई एम द क्रिएटर, आई क्रिएट एंड आई डिस्ट्रॉय। सही बोलते हैं आप, अपने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। I am the creator and I destroy. तब मुझे अपनी नई पावर का पता चला। मैंने स्लोली उस पावर को कंट्रोल कर लिया। अब मैं अपनी मर्जी से कभी भी पानी बन सकता हूँ और कभी भी इंसान। साथियों, सब मिल जाके करो। पतलू उठो। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो चमत्कार कर रहा है।
सहाय देखा तुमने? मेरी मदद ना करने की कितनी बड़ी गलती की है। अब बस कुछ ही देर में मेरा वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा जिससे मैं धरती का सारा पानी एक साथ लाऊंगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। नोमा, लो कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। मुझे एक नुकीली चीज की जरूरत है, कहाँ मिलेगी? अब बस हुआ दोस्तों, मैं भी दिखाना चाहता हूँ एक अलग गेम। ये मैं आ रहा हूँ डेवलॉग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डेवलॉग। ब्लॉस जी, क्या गेम खेलने में मजा आया? कहाँ गया ये डायब्लॉस? जल्दी चलो फ्लोरिडा, इन्हें क्लोडियस और हरिकेन संभाल लेंगे। खत्म कर दो इन्हें, फिनिश देम। ओके बॉस। चलो दोस्तों, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बंटू, जल्दी यहाँ आ जाओ। गुड जॉब हरिकेन मैन, अब मेरी बारी। शौक लगाने का मेरा बहुत पुराना और पसंदीदा शौक है। पतलू आइडिया। तुम्हारा पसंदीदा शौक मैं पूरा कर देता हूँ क्लॉडियस। अटैक। अब तुम्हारी बारी क्लॉडियस। अब हरिकेन तुम्हारी बारी। मटो, पानी खत्म, अब तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन क्या करो क्या करो? हरिकेन मैन, मैं आ रहा हूँ। यस। मैं आ रहा हूँ हरिकेन मैन।
हमारा खेल खत्म। काम तमाम हो गया, अब चलो डायबोलस की खबर लेते हैं। जल्दी चलो, डायबोलस भाग ना जाए। फ्लोरिडा, इन्हें कुछ देर रोको, धरती से पानी लाने का मेरा फॉर्मूला तैयार है। हमारा खेल खत्म हो चुका है। मैडम आप प्लीज साइड हो जाओ, हम भोली भाली लेडीज पे कभी हाथ नहीं उठाते। साइड हो जाइए प्लीज। भोली भाली हाँ। यार अगर ये भोली भाली लेडीज है तो खतरनाक कौन होगी यार। भोली बबरे, आज के मेन्यू में तो सिर्फ मार खाना ही लिखा है। शाबाश फ्लोरिडा, काम हो गया, यहाँ से निकलो जल्दी जल्दी, लेट्स गो। फॉर्मूला उसके पास है, एक बार वो अपने प्लेन में बैठ गया तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। तुम लोग उसके पीछे जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बोलती बंद करने का टाइम आ चुका है। तुम्हें तो मैं उड़ने नहीं दूंगा आज। जल्दी करो, शिप में बैठो। बॉस वेट। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्यार से बनाए मेरे शहर की गलियों से मुझे ही चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। मैं इस मोटू पतलू को नहीं छोड़ूंगा। रोबोस खत्म कर दो उनको। पतलू फायर। ओके मोटू। लोगों ने आके मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जल्दी से डेजर्ट की तरफ चलो।
ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हेलो हेरोशियस, एक और गया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, सरेंडर कर दो। सरेंडर सब मिलके हमला करो। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मोटू पतलू? ये पहन लो, इनसे तुम काफी कुछ कर सकते हो। लो जल्दी से पहन लो यारो। खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ग्लिप्स के इस बटन को दबा दो यार, देव शील आएगी। अरे कौन सा बटन दबाया? कौन था यार? भैया फिर रॉकेट बन गया। यार रेड बटन दबाना था ना यार। फ्लोरिडा इसे कहते हैं चेक एंड मेट।
अब तुम लोगों से मैं बराबर हिसाब करूंगा। अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी तुम्हें कुछ सोचो ना। आइडिया, मोटू तुमने कौन सा बटन दबाया था जिससे तुम ऊपर उड़ गए थे? ये बटन, येलो वाला। सब लोग येलो वाला बटन दबाओ। ये क्या हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, I will destroy you. यार इसमें जो ब्लू बटन है ना, वो बटन दबा दो और उसे पकड़ लो तो उसके बदन में इतनी ठंडक आ जाएगी कि वो परमानेंट ही आइस बन जाएगा। फिर हम उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यारी। लेकिन मुझे मेरे पैर मेरे यार याद रखना, 10 सेकंड तक ही पकड़ना है। अगर उसे ज्यादा पकड़ा तो तुम खुद ही उसकी ठंडक से जम जाओगे और फिर कभी ठीक नहीं हो पाओगे यारी। धरती को अगर बचाना है तो हमें ये रिस्क लेना ही होगा। डायबोलोस, हिम्मत है तो आमने सामने दो दो हाथ हो जाए। आओ लड़ो। आओ मोटू आओ, आज देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। जबाने लगे यार, मुझे दुनिया को बचाना है, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा डायबोलोस, नहीं। तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, नहीं। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मैं
कर सकता जब तक ये पूरी तरह जम ना जाए। ओए मुझे मेरी मेमोरी यार, छोड़ दो यारी। मोटू छोड़ दो उसे। छोड़ दो। मैं इसे खत्म करके छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। व्हीकल के कंप्यूटर में डायबोलस के पेन ड्राइव से कुछ कर रहा है। डायबोलस के पेन ड्राइव में सब फॉर्मूले थे। मैंने उसका पानी लाने वाला फॉर्मूला रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ का पानी सब धरती पर जहाँ जहाँ से आया था वापस जा रहा है। चमत्कार हो गया। धरती पे जहाँ जहाँ से पानी गायब हुआ था वहाँ वहाँ बादल आके पानी बरसा रहे हैं। पूरी धरती पे खुशी का माहौल है।
थैंक यू वेरी मच, तुम लोगों ने तुम्हारी धरती को ही नहीं बचाया, हमारे प्लैनेट को भी बचाया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है यार? बाय बाय।